नमस्कार, दो चक्का में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे साथ मैम, जो कि आप देख रहे हो बुलेट ली हुई है ना। तो मैंने वीडियो एक डाला था जिसमें आप लोगों का काफी कमेंट था बाइक सिखाने के लिए, तो लकली मैम को भी बाइक सीखना था और कांटेक्ट की मैम, तो मैं सोचा एक वीडियो प्रॉपर बना दीजिए जो एक बिगनर के साथ, तो आपको ज्यादा आप उन चीजों से कनेक्ट कर पाओगे मैम से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले अगर जो लोग बाइक चलाना चाहते हैं, तो एक मेरा पर्सनल सजेशन होगा, बाइक चलाने के लिए आपको साइकिलिंग या स्कूटी जरूरी है, मस्ट है। अगर जिनको नहीं आता है वो बाइक नहीं सीख पाएंगे, बहुत उनको मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा, मतलब ना के बराबर है चांसेस कि आप सीख पाओगे बाइक। स्कूटी सीखना आसान है, लेकिन बाइक सीखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्लच और गियर रहता है। ठीक है, स्कूटी में आप जब तक ना चाहो तब तक गाड़ी बंद नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए पहले आपका बैलेंस जरूरी है, बैलेंस बन जाए देन फिर बाइक बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट अभी करेंगे। मैम के पास है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, 350 cc की गाड़ी है। ठीक है, जो कि काफी बुलेट भारी होती है, और मैम ने एक माइंडसेट बनाया कि मुझे बुलेट ही चलाना है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दिमाग से और शरीर से दोनों से मजबूत रहना होगा, क्योंकि इसको संभालने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए होता है ना। इसका वजन बहुत हेवी होता है, तो हर किसी के बस का बात नहीं है, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई नहीं कर सकता है, कर सकता है। जैसा कि मैम अभी बैठी हुई है गाड़ी पे, तो पहले स्टैंड को पीछे कर लें। देखिए, अब गाड़ी को थोड़ा सा आगे अपने पांव से बढ़ाने का कोशिश करें। ठीक है, देखिए मैम स्कूटी पिछले 6 महीने से चला रही है, स्कूटी भी मैम सीखी थी हमारे यहाँ, तो गाड़ी को मतलब बुलेट को बहुत आसानी से आगे बढ़ा पा रही है, संभाल पा रही है। हाँ, रोक लेंगे। चलिए बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे बाइक का फंक्शन। ठीक है, सेम स्कूटी की तरह कुछ कुछ चीजें बस इसमें अलग है। ठीक है, इसमें जैसे स्कूटी में एक्सीलेटर और ब्रेक होती है, बट बाइक में क्लच, गियर, ब्रेक, एक्सीलेटर, इन चीजों का मेन होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल बाइक में क्लच ही होता है, मतलब क्लच हर जगह आपको जरूरत है, हर जगह क्लच के साथ ही आपको खेलना है, मेन चीज वही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये बुलेट का है, बाकी अलग अलग बाइक में आपको शायद हो सकता है डैशबोर्ड अलग मिले, लेकिन मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, और मैं एक डिटेल में वीडियो बाइक के साथ लाऊंगा, अभी मैम के साथ ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, ये देखिए ये है स्पीडोमीटर, ये जो 0, 20, 40, 60 लिखा है इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। जितने भी स्पीड से गाड़ी जाएगी ये कांटा उतना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बाकी आ जाते हैं, ये जो 1662 है, 1662 किलोमीटर अभी तक टोटल गाड़ी चल चुकी है ये, इसका नाम है ओडोमीटर। ओडोमीटर का काम होता है जितनी गाड़ी टोटल जब से गाड़ी खरीदी गई है और चलाई गई है वो यहाँ पर शो कराता है। ठीक है, बाकी यहाँ से आपका ये है बैटरी का, ये बैटरी का आपका एक तरह से आप इंडिकेटर बोल लो, है ना, एम्प मीटर होता है, एम्पेयर, है ना। तो ये बैटरी का आपको बताता है कि बैटरी आपका अच्छे से मतलब वर्क कर रहा है या नहीं, चार्ज है या नहीं। ठीक है, तो अगर ये देखिए ये जो लाइन है ना, तो ये आपका प्लस और माइनस दिया हुआ है, अगर प्लस साइड आपका ये कांटा जा रहा है मतलब बैटरी आपका अच्छे से मतलब वर्क कर रहा है, और अगर माइनस साइड है मतलब बैटरी अब डिस्चार्ज हो चुका है, अब उसका समय आ चुका है बैटरी को बदलने के लिए, अब तो फिर चार्जिंग से अगर काम हो जाता है तो करवा सकते हैं, लेकिन बहुत चांसेस है कि अगर माइनस में ये कांटा दिखने लगा तो बैटरी समझिए कि खत्म ही खत्म है। लेकिन अभी मैम का ये जो कांटा है ये इस साइड है, हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये और इधर प्लस साइड आएगा, तो वो फिर बैटरी सही है, तो ये बैटरी का इंडिकेटर है। बाकी ये चीज है, यहाँ आपको की लगता है। ठीक है, की हमेशा कोई भी गाड़ी हो, कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, हमेशा राइट साइड से ऑन होती है, चाबी नॉर्मली इन की है और राइट साइड जब करेंगे ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये ऑन पोजिशन में हो गई है। अब आ जाते हैं सर, यहाँ पर सेम स्कूटी की तरह हॉर्न, इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है आपका जो टर्निंग पे आपका काम आता है। जो लोग स्कूटी सीखे हैं वही लोग ज्यादा बेटर समझेंगे, है ना। ये आपका डीपर स्विच जो आगे हेडलाइट जो जलता है ना, तो ऊपर करेंगे तो ये आपको दूर तक ये रे दिखाएगा, और नीचे करेंगे तो ये नजदीक का पूरा स्प्लिट करके दिखाएगा। ये आपका यहाँ पासिंग लाइट हो गया, पास जब हम लोग लेते हैं तो। ठीक है, अब मेन चीज यहाँ समझिए, ये जो दोनों साइड स्कूटी में मिलता था आपका, ये दोनों लीवर है ना, इसको ब्रेक हम लोग बोलते हैं, दोनों ब्रेक ही और काम भी वही करता था, लेकिन यहाँ ये ब्रेक नहीं है। जो लेफ्ट हैंड होता है बाइक में, बाएं साइड आपका क्लच होता है। अब क्लच का देखिए काम क्या है, क्लच का बेसिकली काम यह है कि गाड़ी को वो आगे बढ़ाने का काम करता है, मतलब गाड़ी को आपको पुश देता है। ठीक है, क्लच, और क्लच का बहुत ज्यादा रोल है कहाँ कहाँ, देखिए जब गियर शिफ्ट करेंगे आप, जब गियर चेंज करते हैं तब आपको क्लच काम करेगा, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने से पहले क्लच काम करेगा, जब गाड़ी को पिक करते हैं मतलब गाड़ी को उठाते हैं
बढ़ाना शुरू करते हैं तब क्लच काम करेगा, मतलब क्लच इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आपका और एक्सेलेटर, क्लच और एक्सेलेटर का जो कॉम्बिनेशन देना सीख गया तो समझिए वो बाइक बहुत बेहतरीन चला पाएगा, ठीक है। होता क्या है, बिगनर क्या गलती करते हैं कि क्लच ऐसे पकड़ते हैं और जब छोड़ना चालू करते हैं अचानक से उनसे हाथ से छूट जाती है, उसमें गाड़ी बंद हो जाएगी। तो इसमें करना क्या होता है, क्लच आराम से पकड़ना है, नॉर्मली प्रेस करना है, अभी वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो क्लच और इसका, और यहाँ पर अब देखिए ये जो हमारा लेफ्ट साइड में ये जो पाँव है यहाँ पर ये गियर है, ठीक है, ये गियर है। बुलेट में जो है गियर जो होती है वो 5 गियर होती है, ठीक है, 5 गियर है इसमें, और बाकी और भी बाइक जैसे आप कम सीसी में आएंगे तो उसमें 4 गियर होती है, लेकिन इसमें 5 है। अब इसका क्या फंडा है, गियर कैसे लगता है और गियर कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी आपको मतलब समझिए पावर चाहिए, अगर पावर चाहिए पूरा तो 1 नंबर में हमको आना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब गाड़ी को हम लोग उठाना शुरू करते हैं, बढ़ाना शुरू करते हैं, कभी 4 नंबर में आपका नहीं उठेगा, हमेशा 1 नंबर से ही उठेगा फर्स्ट। तो फर्स्ट गियर इसका हमेशा आगे है, एक आगे है बाकी सब पीछे है। अगर मैं बोलूंगा कि 1 नंबर लगाइए तो आपको एक आगे ऐसे डाउन, ये वाला एक आगे ऐसे डाउन करना होगा, और बाकी जैसे मैं बोलूंगा सेकेंड थर्ड फोर्थ तो बार बार आपको पीछे मारना होगा, ये पीछे, ठीक है, एक आगे, ये 1 नंबर लग गया। और जब मैं बोलूंगा कि दूसरा नंबर तो ये सेकंड ऐसे, फिर बोलूंगा तीसरा नंबर तो दूसरी बार पीछे ही प्रेस करेंगे, सारा मतलब पीछे एक आगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये न्यूट्रल। अब देखिए यहाँ न्यूट्रल का समझिए, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो सकता है क्लियर ना दिखे लेकिन ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर है आपका न्यूट्रल, ठीक है। ये जो न्यूट्रल है यहाँ पर, तो N मतलब न्यूट्रल होता है, ये देखिए N जल रहा होगा, ठीक है, N क्लियर आपको दिख रहा है, N जल रहा है, तो N जब भी रहेगा तो मतलब गाड़ी फ्रीली आप आगे ऐसे बढ़ा सकते हो, ठीक है, ऐसे बढ़ा सकते हो। वही अगर मैं गियर में अगर डाल दूं तो गाड़ी अब नहीं बढ़ेगी, देखिए गाड़ी रुक रही है, मैं ब्रेक भी नहीं ले रहा हूँ फिर भी गाड़ी रुक रही है, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल में नहीं है, ठीक है। जैसे मैं न्यूट्रल में डालूंगा तो न्यूट्रल का मतलब ही होता है एकदम न्यूट्रल है, ये एकदम मतलब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब ही वही है कि गाड़ी को आप इजिली आराम से बढ़ा सकते हैं। गियर में कब डालते हैं, जब गाड़ी को स्टार्ट करके हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो समझ गए यहां तक। अब आ जाते हैं यहाँ पर देखिए क्लच, और सबसे पहले इसका जो दोनों ब्रेक है जो स्कूटी में आपको हाथ में ही मिल जाता है, इसका एक ब्रेक आपको इस पांव में है, राइट पांव में, ये वाला जो है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये आपका ब्रेक है, ये पीछे वाला है और ये आगे है, ये आगे है फ्रंट, राइट वाला जो है राइट हैंड के पास ये ब्रेक है आगे और ये पीछे है, ठीक है, पैर वाला, राइट पांव और राइट हैंड दोनों ब्रेक है, और लेफ्ट वाला क्लच है, ठीक है। क्लच का काम आप लोग समझ रहे हो, क्लच गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करता है, जैसे हम लोग क्लच दबाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर समझे, और यहाँ पर आपको देखिए किक भी मिलता है, किक यहाँ पर, किक स्टार्ट के लिए, ठीक है, किक जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमेशा जो कोई भी बाइक हो या कुछ भी न्यूट्रल में किक मारेंगे, है ना, गियर में कभी भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी आपसे, कभी भी नहीं होगी, तो हमेशा जब न्यूट्रल में कर लिए तभी किक लगेगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अभी मैम को हम लोग बैठाएंगे और ये चीज समझाएंगे गाड़ी को आगे बढ़ाना। एक्चुअली मैम पहले भी 1-2 दिन कर चुकी है यहाँ पर प्रैक्टिस, है ना, मैं पीछे बैठ के चलवाया हूँ, तो होपफुली मैम अच्छे से इस चीज को वर्क करें, है ना, और आगे गाड़ी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं आपको पहले फर्स्ट बता देता हूँ कैसे करना है, बाकी फिर मैम से चलवाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये देखिए, अभी ये जो किल स्विच है, ये किल स्विच हर पहले महंगी गाड़ी में आती है, अब तो स्कूटी में भी आपके मिल जाती है ये किल स्विच। किल स्विच का ये देखिए यहाँ क्रॉस जो लगा हुआ है ना, ये क्रॉस, ये ऊपर कर दिए, मतलब अभी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, मैं सेल्फ भी दूंगा तो ये ऊपर कर दिया, और जैसे नीचे करूंगा मतलब ये ऑन हो गई, अभी स्टार्ट नहीं होगी, सिर्फ ऑन हो गई। अब यहाँ से जो ये सेल्फ स्टार्ट बटन है, ये नीचे में जो सेल्फ स्टार्ट बटन है, यहाँ पर अब हमें प्रेस करना है। अब नॉर्मली हम लोग जब ऐसे प्रेस करेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब जब भी आप लोग प्रेस कीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब प्रेस करें तो एक्सेलेटर ना लें, या तो किक लगाएं या तो सेल्फ लगाएं, कुछ भी लगाएं, एक्सेलेटर साथ में मत लीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप बाइक चलाने का, कोई भी गाड़ी चलाने सोच रहे हैं तो किक लगाने का ज्यादा प्रयास करें, क्योंकि कभी हो सकता है आपका बैटरी डिस्चार्ज जो सेल्फ ना काम करे और किक लगाना ना आता हो, तो गाड़ी वहीं आपकी खड़ी रह जाएगी, किसी का फिर हेल्प लेना पड़ेगा। इसीलिए किक से स्टार्ट करेंगे तो सेल्फ तो हर कोई लगा सकता है, ठीक है। तो मैम से मैं किक लगवाता हूँ और स्टार्ट करवाता हूँ, चलिए आ जाइए।
हमेशा ध्यान रखेंगे एक्सेलेटर आपको नहीं लेना है, ठीक है, नॉर्मली सिर्फ किक लगाना है, न्यूट्रल है, हाँ ठीक है, न्यूट्रल है, आराम से सिर्फ आपको, हाँ स्टैंड से हटा दिए ना, हाँ हाँ जोर से पूरा, बहुत बढ़िया, देखिए कितना इजीली आराम से लगा ली मैम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब जो गियर है हमारा, गियर आगे है, फर्स्ट गियर, ठीक है, क्लच पहले दबाना है, क्लच दबाइए, क्लच पूरा प्रेस करना है, ये फिंगर देखिए, क्लच पूरा दबा दिए, ठीक है, ये क्लच पूरा दबाना है हमेशा, पूरा, हाफ कभी मत आप लोग क्लच लीजिएगा, पूरा क्लच लीजिएगा। और एक नंबर मैं क्या बताया हूँ, गियर एक नंबर आगे है, तो एक आगे लगाइए, देखिए खट से लग गया। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रल हट गया है, ठीक है, एन जो जल रहा था हमारा, वो देखिए एन जलना बंद हो गया है, क्यों, क्योंकि मैंने अब गियर में डाल दिया। अब गाड़ी को अगर मैम जैसे क्लच छोड़ेंगी ना, गाड़ी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे क्लच छोड़ेंगी, और जैसे अचानक से क्लच छोड़ी, गाड़ी बंद हो जाएगी। जैसे आप एक बार क्लच अचानक से ऐसे छोड़े और एक्सीलेटर ना ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पर हूँ, अचानक से क्लच छोड़ दें, देखिए गाड़ी बंद हो गई, पूरा क्लच ऐसे छोड़े, गाड़ी बंद हो गई, एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन इसे नहीं मिला। और वही अगर साथ में एक्सीलेटर क्लच भी छोड़ते, एक्सीलेटर भी देते, गाड़ी बढ़ना स्टार्ट हो जाती। तो अभी एक राउंड मैम के साथ मैं पीछे बैठूंगा, फिर मैम को अकेले छोड़ूंगा। चलिए फिर से स्टार्ट कीजिए, न्यूट्रल लेकर, न्यूट्रल लेकर, न्यूट्रल पहले न्यूट्रल कर लीजिए, देखिए एन जला नहीं, एन जब तक नहीं जलेगा तब तक हो गया, एन जब तक नहीं जलेगा तब तक आपका न्यूट्रल नहीं लगाया, तो एक बार डैशबोर्ड पे अपना चेक कर लेना है आप लोगों, हाँ थोड़ा जोर से एक बार पूरा एकदम प्रेस करके ऐसे जोर से लगाएंगे, हाँ क्लच छोड़ दीजिए, क्लच का यहाँ कोई काम नहीं, आराम से आप प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, जोर से मारिए, एक्सेलेटर मत लीजिएगा, जोर से, हाँ बस ठीक है, अब आराम से क्लच लीजिएगा, ठीक है, पहले क्लच दबाइए, ठीक, पहले क्लच दबाइए पूरा, एक नंबर लीजिए, ठीक है, अब आराम से नजर सामने रखिएगा, धीरे धीरे क्लच को छोड़िए, धीरे धीरे क्लच को, पूरा मत छोड़िएगा, थोड़ा सा हाथ में रखिएगा, हल्का सा हाथ में क्लच को रखना है, रुक जाइए, हाँ चलिए, अब एक्सेलेटर दीजिए साथ में, दीजिए दीजिए, आराम से बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आराम से, ठीक है, बढ़िए, नजर सामने रखिए, क्लच दबाना है, पूरा क्लच दबाइए, क्लच दबाइए, क्लच दबाइए, आराम से ब्रेक, ज्यादा तेज नहीं, हल्का सा बस छोड़ दीजिए, आराम से, क्लच मत छोड़िएगा, अभी क्लच छोड़ेंगे गाड़ी, नहीं नहीं बंद नहीं, पहले न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रल कीजिए, हाँ न्यूट्रल, वहाँ एन जलना चाहिए, तभी एन जलना चाहिए, हो गया, अब क्लच को छोड़ दीजिए, देखिए न्यूट्रल में है, क्लच छोड़े, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप टर्न कर लीजिए, उस साइड आ जाइए, हाँ हाँ पहले बंद में, नहीं अभी कहाँ गियर लिए हैं, बंद, आप बंद कर लीजिए, वहाँ से ऑफ कीजिए स्विच से, बस मोड़ लीजिए, पहले पाँव से मोड़िए, जितना आप पाँव से संभालना सीखिए, क्योंकि भारी गाड़ी है, ठीक है, आप पाँव के दम से कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वैसे गली या सब कुछ में आ जाए तो पाँव से ही आपको आगे बढ़ाना, वो अगर खींच नहीं पाएंगे तो बुलेट चलाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हर टाइम किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, हर काम खुद से करना है आपको। अगर बाइक का सोचे हैं तो समझिए मैम की तरह, देखिए इतना करेज मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ, खुद से आगे गाड़ी को बढ़ा रही हैं, ठीक है, अभी मैम को अकेले मैं छोड़ूंगा, थोड़ा भरोसा करता हूँ, आज फर्स्ट डे है मैम का, और ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए फर्स्ट डे ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं चलवाया हूँ लेकिन मैं हमेशा पीछे बैठा हूँ, तो आज फर्स्ट डे मैम अकेले चलाएंगी, देखते हैं, सेल्फ 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 मारिए अब आराम, हाँ मारिए कोई दिक्कत, किक लगा ले रहे हैं, अच्छा किक को बंद कर, सेल्फ नॉर्मली, इसको तो कुछ करना नहीं, सिर्फ बस नॉर्मल आप प्रेस करना है इस, इसको ना, हाँ नीचे नीचे पहले ऑन करके, हाँ ये नीचे प्रेस कीजिए, बस हो गया, ठीक है, वहाँ जाइएगा, क्लच दबा के ब्रेक लगाइएगा, और मोड़ते वक्त ध्यान दीजिएगा, अभी पाँव से ही मोड़ के आना है, ठीक है, एक दो बार, उसके बाद फिर जो अभी बताए थे ना एक्सेलेटर वाला, वो करना है, ठीक है, पहले जाइए क्लच दबाइए, एक्सेलेटर कुछ ज़्यादा हाई ले रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ, धीरे धीरे एक्सेलेटर और धीरे धीरे क्लच, और हल्का हाथ क्लच में रखिए, हाथ पे क्लच रखिएगा, ठीक है, चलिए आ जाइए, हाँ एक नंबर लिए लीजिए, ठीक है, आराम से जाइएगा, ठीक है, नज़र सामने, हाँ जाइए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो,
मैम अकेले बुलेट लेकर गई हैं, ठीक है, आगे जस्ट ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग यहाँ से 100-200 मीटर है, आगे से टर्न करके अभी आएंगे जल्दी। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो बुलेट या बाइक चलाने का, अभी मैं पूरी फुल डिटेल लाऊंगा जिसमें प्रॉपर मैं सिर्फ रहूंगा बाइक के साथ और एक एक चीज़ बाइक की बारीकियों के साथ आपको बताऊंगा कैसे उसको करना है, ठीक है। तो बाकी आप लोग मैम से एक मोटिवेशन ले सकते हो कि हर कोई, हर लोग कुछ भी काम कर सकता है, अगर वो उसके अंदर वो विल पावर है, वो चाहत है, तो कर सकते हो। आप बुलेट भी चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो, ऐसा नहीं है कि लड़कियां बुलेट नहीं चला सकती हैं, बिल्कुल चला सकती हैं, मैं तो यही बोलूँगा, बस आपके अंदर वो करेज होना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा, स्कूटी छोड़ो, बाइक के ऊपर स्विच हो आप लोग, और बाइक ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ बाइक लेकर निकलें, क्योंकि हर के घर में बाइक ज़रूर होता है, उनके हस्बैंड हो, भाई हो, तो आप लोग बाइक सीखें। मैं अभी प्रॉपर वीडियो भी लाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैम फिर वहाँ से आने वाली हैं, तो देखते हैं मैम अकेले आती हैं लेकर कि नहीं, ठीक है। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो, अभी मैम आ रही हैं वहाँ से बुलेट लेकर, और कितनी अच्छी, मतलब एक जो बाइक चला कर आ रही है, अलग ही मतलब दिख रही हैं कि लड़कियाँ भी बाइक चला सकती हैं। अगर रोड पे निकलेंगे तो 10 आदमी उनको देखेंगे कि क्या लड़कियाँ भी बुलेट चला सकती हैं। साइड होकर आराम से क्लच दबाकर आराम से ब्रेक लगाइएगा, आराम से। कैसा लग रहा है? देखिए मैम बहुत खुश है, आराम से थोड़ा सा साइड आ जाएंगे, थोड़ा साइड, थोड़ा सा, बस थोड़ा, ज़्यादा नहीं, आराम से, बस क्लच दबा के ब्रेक, हाँ आगे वाला ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे वाला ले लीजिए, हाथ निकालिए, बस बस बस, पहले न्यूट्रल कर लीजिए, न्यूट्रल, हाँ पहले, हाँ बस न्यूट्रल, एक बार क्लच नहीं छोड़ना है। देखिए क्लच छूटा, गलती से हाथ छूटा, बस गाड़ी भाग जाएगी आगे, ये ध्यान देना है, ठीक है। हो गया, कैसा लगा अकेले चला कर? फर्स्ट डे था, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, पसीना हो गया है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आज अकेले चलाई, मुझे भी बहुत देखकर खुशी हुई। तो एक टर्निंग और लगाएंगे, ठीक है, आराम से, ऑफ करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑन करके पहले गियर में ले ले, गियर गियर, लेकिन धीरे धीरे टर्निंग पे ध्यान दीजिएगा, है ना, एक्सेलेटर ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, धीरे धीरे, ज़्यादा एक्सेलेटर नहीं, जितना हाई एक्सेलेटर देंगे हल्का 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 हल्का, क्लच हल्का हाथ में रखिएगा, हाँ बंद नहीं होगी गाड़ी, आ जाइए, हाँ शॉर्ट ही है, हल्का हल्का, ठीक है, बस क्लच थोड़ा सा रखिएगा, बहुत बढ़िया, क्लच हल्का रखिएगा, नहीं तो बंद, हल्का सा, जैसा कि आप लोग देखे मैम अकेले दोबारा टर्न भी कर ली गियर में शिफ्ट करके, पिछली बार तो बंद करके करवाया था। तो बिल्कुल आप लोग कीजिए और सीखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि हर लड़कियाँ स्कूटी के साथ, ऐसा नहीं कि स्कूटी उनका लास्ट है कि अब सीख गई, मेरे लाइफ का यही एक चीज़ था जो सीखना था, नहीं, आपको अभी बाइक सीखना है, अभी आपको और आगे बढ़ना है, और बाकी कोई चीज़ के लिए अगर दिक्कत हो तो दो चक्का आपके साथ है, मैं नहीं, पूरा दो चक्का जो टीम है हमारा वो आपके साथ है। तो बिल्कुल आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारा जो भी ट्रेनिंग ब्रांच है वहाँ भी कॉन्टैक्ट करके आप सीख सकते हो, दिल्ली में, पटना में, रांची में, भोपाल में, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, जमशेदपुर, इन जगह पर स्कूटी ट्रेनिंग के साथ बाइक हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं। बाइक में आप पटना, रांची, ठीक है, यहाँ पर आप ट्रेनिंग ले सकते हो, बाइक की ट्रेनिंग, जो कि प्रॉपर ट्रेनर अच्छे से आपको गाइड करेंगे, जहाँ पर आप बाइक, कोई भी बाइक चलाना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्सनली, जब बुलेट चला ले रही है मैम तो कोई भी बाइक चला सकते हो, मैं यही बोलूँगा, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर, विल पावर होना चाहिए, वो विल पावर रहेगा तो मैम की तरह एक दिन आप भी चलाओगे। और ये मैम का मैं वीडियो आप लोग से वादा करता हूँ कि अकेले इनको रोड पे लेके आऊँगा, इनका प्रॉपर एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।